उनको पंखा चलाने तक की और नए पंखे कूलर जैसी सुविधाओं को जुटाने की अनुमति भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों नमस्कार, एम्स के कैंपस में पढ़ रहे भावी डॉक्टर्स अगर मदद को तरस रहे हो तो यह सच अपने आप में डराने वाला है, डरावना है। जी हाँ, एम्स के नाम पर क्या हो रहा है यहां पर, इस प्रकार के स्लोगन और नारों से कैंपस गूंज उठे हैं। एम्स मदुरई के विद्यार्थी आंदोलनरत हैं। क्यों उनकी यह दुर्दशा है, क्यों उनकी यह स्थिति है, इसकी पड़ताल आज कर लेते हैं। नमस्कार, मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। एम्स भारत में प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और भारत भर में करीब 20 एम्स संचालित हैं। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज क्या मेडिकल की डिग्री का एक बड़ा तमगा आपको देते हैं या फिर इनका स्टैंडर्ड स्टेट के मेडिकल कॉलेज से जेड से कहीं ज्यादा ऊंचा है, इस बात को थोड़ा सा पहले समझने की आवश्यकता है। एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसलिए वहां फंडिंग और डेवलपमेंटल प्रोसेस को ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड माना जा सकता है। वहां साइंटिफिक टेम्परामेंट और फैकल्टीज के अपॉइंटमेंट को ज्यादा अच्छा माना जा सकता है। वहां के कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, इसलिए बच्चे रुख करते हैं, जाना चाहते हैं और सपना अपना पूरा करना चाहते हैं कि वो एम्स में पढ़ें। लेकिन सपनों को कैसे यहां तार तार किया जाता है, सुनिए। भारत की संसद में बजट भाषण हुआ 28 फरवरी 2015 को और 5 नए एम्स की घोषणा की गई तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी द्वारा, जिसमें एक एम्स मदुरई तमिलनाडु का भी था। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आसाम, ये कुछ पंजाब, ये कुछ एम्स जो है वो अनाउंस किए गए थे। अब अगर हम बात एम्स मदुरई की करें, 2015 में घोषणा होती है और 27 जनवरी 2019 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी फाउंडेशन उसका करते हैं, मतलब शिलान्यास करते हैं। 2019 में शिलान्यास हुआ तो निश्चित तौर पर आपको समझ आ रहा होगा कि उसके ठीक बाद उसका काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अगले साल मतलब फरवरी 2020 में जमीन अधिग्रहण किया गया। लीजिए, जमीन अधिग्रहण भी हो गया, अब काम शुरू हो जाना चाहिए था। इसके बाद एक तथ्य सामने आता है कि इसको बनाने वाली जो एजेंसी है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, उसने 2024 में हाल ही में काम शुरू किया है। मेरे पीछे स्क्रीन पे एक वीडियो आप देख रहे होंगे, लंदन टॉप की टीम ने ये कवर किया है और इस वीडियो में बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने उभर कर आएगी कि 2019 में जिस एम्स का शिलान्यास हुआ, आज वो एम्स सिर्फ एक चार दीवारी बाउंड्री के साथ खड़ा है। उस एम्स में किसी भी प्रकार की कोई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है और जो बनाने वाली कंपनी है उस कंपनी का दावा यह है कि ये 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जबकि वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों की बात अगर आप सुने, उनके हालात पर अगर आप गौर करें तो जिपमेर में जब उनका एडमिशन हुआ था तो उनको यह कहा गया था कि कुछ ही दिनों में आपको एम्स के कैंपस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब उन बच्चों के बुनियादी हालात सुनिए। उनमें से ही किसी एक स्टूडेंट ने ट्विटर पर अपना दुख रोया, ट्विटर पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा, नो पेशेंट लॉर्ड इन ओपीडी, कहीं कोई पेशेंट लॉर्ड नहीं है जिससे क्लिनिकल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या क्लिनिकल ट्रायल है या सीखने वाली जो बातें हैं वो आए। लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर में जाने की अनुमति नहीं है, इसके अलावा फैकल्टीज का अभाव है और एक एक रूम में पांच पांच बच्चों को, चार चार बच्चों को रखा जा रहा है क्योंकि अकोमोडेशंस की कमी है। रामनाथपुरम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एम्स मदुरई के ये बच्चे अभी रह रहे हैं। वहां गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग रीजन से जो आए हुए बच्चे हैं उनको पंखा चलाने तक की और नए पंखे कूलर जैसी सुविधाओं को जुटाने की अनुमति भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि यह जो कैंपस है यह आपका अपना नहीं है और बिजली का लोड ज्यादा आता है। सच डराने वाला है। आपका बच्चा यहां से मदुरई जैसी जगह पे चले जाए, तमिलनाडु चले जाए और वहां से फोन करे, आप एसी में सो रहे हैं लेकिन मुझे पंखे का इस्तेमाल भी नहीं करने दिया जा रहा, तो कलेजा छलनी हो जाता है, तार तार हो जाता है, माँ बाप की परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन करें भी तो क्या करें, भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया गया था। अब अगली सच्चाई सुनिए। बच्चों का कहना है कि ये सारी बातें जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं तो उनका सवाल होता है, आपसे एम्स मदुरई आने के लिए किसने कहा था, आपसे एम्स मदुरई ज्वाइन करने के लिए किसने कहा था? क्या उन बच्चों का भारत सरकार और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय पर जो भरोसा था, उस भरोसे को तोड़ना जरूरी था या फिर उनका भरोसा करना ही गलत था? 2015 में घोषणा होती है, 2019 में शिलान्यास होता है, 2020 में जमीन अधिग्रहण होता है, लेकिन 2023
24 में हाल ही में काम शुरू हुआ है, एजेंसी कहती है 2028 में पूरा होगा, तो क्या एक एम्स घोषणा के 10 साल बाद भी पूरा नहीं हो रहा है? ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज हैं। रेगुलेशन की बात करने वाली नेशनल मेडिकल कमीशन NMC से भी ये सवाल मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहूंगा, और भारत के मेडिकल कॉलेजेज में इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हजारों हजार बच्चों की तरफ से ये बात रखूंगा, उनकी पैरवी करते हुए ये बात कहूंगा, क्या आप इंस्पेक्शन के नाम पे छोटे मेडिकल कॉलेजेस, नए खुलने वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो स्टेट अथॉरिटीज के होते हैं या स्टेट के होते हैं या फिर प्राइवेट होते हैं, उन पे अपना डंडा नहीं चलाते? यहां आपका डंडा क्यों नहीं चल रहा है? NMC क्यों नहीं ये रेगुलेट कर पा रही है? वो बच्चे सवाल करते हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री क्या अपने बच्चों का एडमिशन इस एम्स में करवा देंगे? क्या भारत के स्वास्थ्य मंत्री अपने रिश्तेदारों का ट्रीटमेंट यहां इस प्रकार के एम्स में करवा सकते हैं? राजस्थान के चूरू का बच्चा वहां पढ़ता है, दिल्ली की बच्चियां वहां पढ़ती है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का बच्चा वहां पढ़ रहा है, हर एक जगह से बच्चा वहां आया है। क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए उन बच्चों के हालात काफी खराब है। आवाज उठाइएगा। प्रशासन से गुहार जब बच्चा लगाता है तो उसको एक डर भी रहता है कि डिग्री के दौरान कहीं उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाए जैसा अपेक्षित नहीं है। सही बात यह भी है कि पहला बैच 2021 का था, 2022 में जिसकी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हुई क्योंकि कोविड का दौर था, और 2022 में जब काउंसलिंग जिपमेर कैंपस में हुई थी तो बच्चे को कहा गया था कि आपको जल्दी ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं एमएम मल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था, सच डराने वाला है। जाते जाते मेरे पीछे स्क्रीन पे देखते जाइए एम्स का डराने वाला सच। ये ललन टॉप की टीम वहां पहुंची थी और आपको पूरी तरीके से दिखाया जाएगा। ये एम्स के नाम पे सिर्फ एक बोर्ड लगा है, और फिर अगर आप देखेंगे तो चार दीवारी है, 5 साल में सिर्फ 4 दीवारी बन पाई है। इन्होंने ऑफ कैमरा जब वहां काम कर रहे मजदूरों से बात की तो बहुत साफ साफ उनको ये पता लगा कि अभी 1 महीने पहले ही काम शुरू हुआ है। और ये भारतीय राजनीति में अपने आप को धुरंधर और योद्धा कहने वाले नड्डा जी की बात भी सुन लीजिए। इन्होंने बहुत गौर करने वाली बात यह है, इन्होंने 1260 करोड़ रुपए के अलोकेशन की बात एम्स मदुरई के लिए की थी, और इन्होंने कहा था इसमें इन्होंने ये कहा था कि एम्स मदुरई का काम करीब करीब 95% पूरा हो गया है। स्क्रीन में मैं आपको मेरे पीछे ये सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। इनके बयान के ठीक बाद कांग्रेस और CPIM के एक सांसद वहां मौके पर पहुंचे थे और एक्स पे मतलब ट्विटर पे अपनी ये चीजें तस्वीरें शेयर की थी कि ये सब फर्जी है। खैर, देश की शीर्ष संस्थाएं और देश के शीर्ष लोग अगर गलत बोलने लगे, बच्चों को गुमराह करने लगे और आने वाली पीढ़ी के सामने सच्चाई के बजाय उनको भ्रमित करने वाली बातें रखें तो ये दुखदायी तो है। जुड़े रहिए इसी तरीके से, अपना प्यार मोहब्बत लुटाते रहिए सच्ची बातों के साथ। मैं सदैव आपका पक्ष रखता रहूंगा, सदैव आपकी बात उठाता रहूंगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।